जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक। सो प्राइमरली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देर इज नो टैरिफ हाइक विच हैज बीन इफेक्टेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और केपीडीसीएल इज नॉट एम्पावर्ड टू अनाउंस और ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक। जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे एंड के, जो टैरिफ हाइक करता है। बेसिकली दिस इज अ लोड रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ द एग्रीमेंटेड सैंक्शन लोड ऑफ द कंज्यूमर्स इन फ्लैट रेटेड एरियाज। मेजोरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं, एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी केपीडीसीएल की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर लोड रिवीजन होता है, और उस लोड रिवीजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं, और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है। सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट केपीडीसीएल इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है। ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि केपीडीसीएल में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स है उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है। तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक। हमारी कोशिश होती है थ्रू आर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज, और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकालकर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है। फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है। विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन की कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी। उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं। नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है। कहने की गर्ज यह है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है। तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिविजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो। डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड अप्रोच, अ कैलिब्रेटेड मैनर बाय विच यू विल एनहेंस द लोड ऑफ द कंज्यूमर आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट। उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन जो पुअर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू ऑल दी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स ऑफ सर्कल्स, ऑल दी इलेक्ट्रिक डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर। सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन पार्ट ऑफ केपीडीसीएल। मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सर्कल टू के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं। सो विद दिस क्लैरिफिकेशन if you want to ask any question, yeah sir, I have a question. Actually, I have two three questions. I hope that you will answer one by one, you will reply it one by one. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि
कंज्यूमर जो है वो ट्रैप हो जाता है कि मैं लो कंजप्शन चला रहा हूं लेकिन मुझे बताया जाता है कि क्यों नहीं आप यूज करते हैं। वो बेचारा गरीबी के सबब अपने वो कंजप्शन जो है बचाता है। लो कंजप्शन के आप कहते हैं कि लो कंजप्शन आपने क्यों यूज किया है, तो उस पर भी आप वो जुर्माना या सर आप इसको तो सर आप इसको ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब जो है कंजप्शन बचाकर let me explain this. आप जो लो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट मीटर्ड कंज्यूमर्स, नॉन मीटर्ड एज वेल एज नॉन मीटर कंज्यूमर इज ऑन अ फ्लैट रेट। आपने अभी बताया कि केपीसीएल इज नॉट अथोराइज्ड टू हाइक द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्स्टेंट बिलिंग जो है वो नहीं आती है नॉन मीटर्ड एरियाज में, इसलिए मैंने कहा कि मेरे दो तीन क्वेश्चन है। अगर आप पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे तो फिर सर मैं पहले क्वेश्चन का आपका इस तरह जवाब दूंगा कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है इट इज एज पर द लोड। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 kW का लोड है तो ही हैज टू पे अस नाउ 1040 rupees, ठीक है ना। अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ 1 kW, sometimes even 5 kW, 6 kW, लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 kW का होता है तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है। बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर डिविजन है बेमना का, वो जनरेट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पर नॉन मीटर एरियाज में भी बिलिंग में कॉन्स्टेंसी रेंट नहीं रहती है, क्योंकि पहले महीने में अगर 1500 आते हैं दूसरे महीने में 2000, तो ऐसे क्यों हो जाता है? दिस इज बेसिकली इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बिलिंग क्राइटेरिया तो उसमें आपने 15% पहले ही बताया, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो 135 रुपए वो बढ़ना चाहिए, यानी कि 1500 पर वो 135 रुपए बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2025 बन जाता है। 15% वाली कोई वैसी स्लैब 2022, 2023 and 2024 में बेसिकली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की, उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं। बट स्मार्ट मीटर एरियाज को चूंकि वो मीटर्ड एरियाज थे उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नालीफाई हो गया, देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज। इन नॉन मीटर्ड एरियाज ओनली 15% हाइक वॉज अनाउंस्ड, 68% चूंकि हमारा नॉन मीटर्ड एरियाज में था।